गया में नहीं लगेगा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार। प्रशासन ने बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम पर लगाई रोक। इस वक्त बिहार के गया जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक गया जिले में कथा और दिव्य दरबार का आयोजन करने वाले थे, लेकिन गया जिला प्रशासन ने कार्यक्रम कराने की अनुमति नहीं दी है। यानी इस महीने गया में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार नहीं लगेगा। फिलहाल गया में बाबा बागेश्वर के कथा पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। बता दें, बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाने वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 7 दिनों के लिए गया में श्रीमद् भागवत कथा करने वाले थे। इस दौरान 2 दिवसीय दिव्य दरबार भी लगने वाला था, जिसकी तैयारी भी शुरू हो गई थी। गया में कथा का आयोजन खुद बागेश्वर धाम की तरफ से किया जा रहा था और इस कथा के लिए वहां पर बागेश्वर धाम की तरफ से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के रुकने के लिए होटल भी बुक कर लिया गया था, लेकिन जिला प्रशासन में पितृपक्ष की भीड़ को देखते हुए कथा नहीं करने का आदेश दे दिया है। गया डीएम डॉक्टर त्यागराजन का कहना है कि पितृपक्ष के दौरान देश विदेश से लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गया जी पहुँचते हैं, लाखों की भीड़ होती है। ऐसे में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कथा का आयोजन होने पर उन लोगों को परेशानी हो सकती है। यही वजह है कि गया में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कथा पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से पितृपक्ष में जो लोग आएंगे उनकी सुविधा का प्राथमिकता के साथ ख्याल रखा जाएगा, उन्हें कोई परेशानी ना हो इसके लिए मद्देनजर कथा नहीं करने का निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि इसी साल जब मई महीने में बाबा बागेश्वर पटना आए थे, उसी दौरान ही उन्होंने मंच से घोषणा की थी वह गया जी में पितृपक्ष के दौरान श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करेंगे, लेकिन जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बाद अब गया में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कथा नहीं कर पाएंगे। बता दें, जब वह पटना आने वाले थे उस वक्त भी उनके आगमन से पहले ही उनका विरोध पटना में देखने को मिला था। उनके पोस्टर भी फाड़े गए थे। तमाम विरोधियों के बीच उन्होंने 5 दिनों तक हनुमंत कथा का पाठ तरेत मठ में किया था। बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री का गया के रिसोर्ट में लगा दरबार, खास श्रद्धालुओं ने सुना प्रवचन। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बोधगया में स्थिति रिसोर्ट में 3 दिनों तक ठहरेंगे। सोमवार की देर रात तक रिसोर्ट के हॉल में धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा पितृपक्ष में पितृदोष निवारण के लिए प्रवचन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिर्फ खास श्रद्धालु ही शामिल हो सके, इस प्रवचन में आम लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं थी। कार्यक्रम स्थल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए चैनल हेड मनिंदु पहाड़िया की रिपोर्ट।